लेकिन मुझे समझ में नहीं आता हेमंत सोरेन डरे हुए क्यों। झारखंड को तो अराजकता के गर्भ ने झोंक दिया है, युवा न्याय मांग रहा है, युवा कह रहे हैं आप ही ने कहा था 5,000 से लेकर 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, आपने नहीं दिया। आपने नौकरियां देने की बात की थी, आपने नहीं दी। अब जब युवा हद मांगने आ रहा है, न्याय मांगने आ रहा है, तो हमें सरकार गरीब क्यों? लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश क्यों कर रही है? रात भर हमारे कार्यकर्ता जगह जगह रोका गया, बसों से उतारा गया, प्रताड़ित किया गया, पर हेमंत जी का नौजवानों का स्वागत ऐसे करते हैं? कटीले और नुकीले तारों की बाड़े लगा दी गई, ऐसा लग रहा है झारखंड के युवा नहीं कोई आतंकवादी आ रहे हैं। मैं हेमंत जी कहना चाहता हूं आपकी सरकार से, अहंकार को राजन का भी नहीं रहा। अगर आप ये सोचते हो कि न्याय और अधिकार की लड़ाई को ऐसे कुचला और दबाया जा सकता है, ये गलत है। अब जनता कह रही है सिंहासन खाली करो तो जनता आती है, कितना कुछ रोगे, कितना दबाव दे। तो नौजवानों का यह आक्रोश आपकी सरकार के कफन में अंतिम तीर साबित होगा। न्याय की लड़ाई लड़ेंगे झारखंड के युवा, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे झारखंड के युवा, और जीतेंगे सोरेन सरकार। अब केवल दो दिन दो महीने की मेहमान हमारा मार्च कितने पहले तक, लेकिन डरी हुई सरकार, घबरा गई मुख्यमंत्री, इस आंदोलन से घबरा के और प्रति आंदोलन की बात कर रहे हैं, जनता सब जानती है।